जेपी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति हरिकेश सिंह शामिल हुए और उनके साथ कई सिवान के भी प्रतिनिधि शामिल हुए और दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बताते चले कि आज के विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय में कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिसे मौजूद लोगों ने काफी सराहा। तो आइए सीधे ले चलते हैं कार्यक्रम की तरफ और कुछ वहां की झलकी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय में कार्यक्रम का आगाज किया गया था और उसके बाद मुख्य अतिथियों ने क्या कुछ एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से कहा। सिवान जिले के चनौर में विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय ने अपना वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर छपरा से आए जेपी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हरिकेश सिंह शामिल हुए और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया। इस मौके पर भाजपा के नेता मनोज कुमार सिंह के साथ तमाम लोग मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह रही कि आज भी विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय में जिस तरह बच्चों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया उसे मौजूद लोगों ने काफ़ी सराहा। वहीं इस मौके पर विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय के निदेशक बिलास गिरी ने सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में शिरकत किए, इसके लिए उन्होंने सभी लोगों को धन्यवाद दिया। एटीएन लाइव के लिए बंटी की रिपोर्ट। साक्षात जनार्दन का स्वरूप है, इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है किसी भी कार्य का शुभारंभ करने के लिए। दूसरी बात है, इसका प्रतीक है अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर। और अराजकता से विकास की ओर ले जाने का प्रतीक ये हमारा दीप। अब सिंह से आग्रह करूंगा कि वो माँ सरस्वती की प्रतिमा मंच के दाहिने तरफ अवस्थित है, आप वहाँ नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। ये माँ सरस्वती हम लोगों के लिए बुद्धिदात्री और विद्या की दात्री, विद्या की अधिष्ठात्री के रूप में मानी जाती है। इन्हीं को ये माना जाता है कि पूरे संसार में इन्हीं का देन है कि हम लोग आज इतने प्रबुद्ध हैं और मंगल ग्रह तक पहुंचने का कार्य इन्हीं की कृपा की बदौलत हुआ। अपने साथ मंच पे लाने का कष्ट करें ताकि हम लोग यहाँ भूखे माल्यार्पण और जो भी प्रक्रिया है मंच का हम लोग एक एक करके करें। हम लोग समय को देखते हुए ये प्रोग्राम बनाए हैं कि एक ही बार सबको बुला के और लाइन से हम लोग सम्मानित कर दें। ज्यादा डॉक्टर आरपी, डॉक्टर रीता कुमारी, मनोज सिंह, श्री रमाकांत पाठक जी, श्री करेंगे। आप तालियों में कंजूसी कर रहे हैं। तत्पश्चात श्री मनोज सिंह जी, श्री मनोज सिंह जी को माननीय कमलेश्वर बुके और सामने से आइए ना, उसके बाद
श्री रमाकांत पाठक जी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष और हम लोगों के अभिभावक, मैं चाहूंगा आप तालियों से स्वागत करते रहें। इसके बाद बाकी शीघ्र आए और शीघ्रता बरते। गुलदस्ता, अंग वस्त्र और माल्या आप तालियों से स्वागत करते रहे, मूक दर्शक नहीं बने। अब जाके मैम संभालो ऐसी मैम। अब श्री यूसी द्विवेदी सर को मंच पे आमंत्रित करता हूं आए और ईश्वर दयाल पांडे, श्री ईश्वर दयाल पांडे आप लोग मंच के करीब रहे हैं तो मैं आमंत्रित करता हूं कि वो डॉक्टर मनोज सिंह को अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। ईश्वर दयाल पांडे उसके बाद विद्यालय के वरीय शिक्षक हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो मंचा सिंह हो और डॉक्टर राजेंद्र सिंह, ये सभी शिक्षाविद हैं अपने क्षेत्र में। तत्पश्चात श्याम वरण सर को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं, वो आए और डॉक्टर रामानंद पांडे को अंग वस्त्र और गुलदस्ता देके सम्मानित करें। अमन सर को मंच पे आमंत्रित करता हूं, वो आए और डॉक्टर आरपी शाही, अमन सर अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। मौसमी मैम, डॉक्टर रीता कुमारी का स्वागत करेंगी मौसमी मैम अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर। अब प्रशांत सिंह, श्री प्रशांत सिंह को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो मंचा सिंह हो और श्री कन्हैया सिंह जो अभिभावक के तौर पे इस विद्यालय में हमेशा सहयोग करते रहे हैं, हमारे बीच उपस्थित है।
हूँ मैं सर फूलमती मैम को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। फूलमती मैम अब मैं मैम डॉक्टर मनोज पाठक के लिए